इतने दिनों से यही गाड़ी चला चला के मैं बोर हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? लंगा के नाच मीर से क्यों पूछ रहा है? बॉब दिन हूँ, आपको नहीं लगता आपका डायलॉग कुछ और था? क्या था? बॉब तुमको बोलना था कि टेंशन नहीं लेने का, एलिमेंटल कार्स है ना। अच्छा याद आ गया, ओके बंदर वापस आओ। ठीक है लेकिन इस बार सही सही से बोल दियो। हाँ बोल दूंगा ना, निकल यहाँ से। इतने दिनों से यही गाड़ी चला चला के मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? डायलॉग भूल गया मैं। जानता हूँ बॉब तू ये जानबूझ के कर रहा है ना। नहीं नहीं इस बार भूल देना, पक्का याद रखूंगा। अच्छा ठीक है, 24 को तू एक और बार डायलॉग बता दे, मैं अभी गाड़ी घुमाता हूँ। ओके। अरे इतने दिनों से यही गाड़ी चला चला के मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? पहले गाड़ी चलाने सीख तो मेरे को भी ठोक दे। टेंशन नहीं लेने का, एलिमेंटल कार्स है ना। आइए एक ग्रेनेड मारा और डायलॉग बाहर निकल गया, देख रहे हो गाइस? बॉल बॉल बचाओ, अगली बार नहीं बचेगा तू। न्यूक्लियस देखो इस बार जेन्युइन रीजन है यार, कॉलेज का कुछ काम था तो उसके लिए थोड़े दिन वीडियो नहीं आई, बट अब मैं वापस आ गया ना तो की टेंशन ले रहे हो। अपनी सड़ी से शक्ल उठाकर आ जाते कद्दू कहीं का। बॉब मैंने तेरे को कितनी बार समझाया, जेलिसी बहुत गंदी चीज होती है ब्रो। और गाइस एलिमेंटल कार्स लेने से पहले हम लोग को काफी इम्पोर्टेंट चीज करनी है, और वो इम्पोर्टेंट चीज है शार्को। यार आप लोग कमेंट करके रेप शार्को लिख रहे थे तो मैंने सोचा एक बार मिलवा ही देता हूं इससे। और शार्को का इस वाले पूल में कभी कभी ना होने का रीजन ये है क्योंकि ये पूल इसके लिए थोड़ा छोटा है, तो जब भी अपना शार्को इस जगह से बोर हो जाता है हम लोग इसको वापस सी में छोड़ देते हैं, और जब भी शार्को सी से बोर हो जाता है हम लोग इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसके साथ बहुत चरी मस्ती करती है। तो ठीक है अपने शार्को के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया, तो हम लोग अपनी वीडियो पे बढ़ते हैं। आज तो बंदे ने बहुत टाइम पास कर लिया, अब तुम कुछ करो या ना करो टाइम तो पास होता ही है, तो आ जाओ फिर। बहुत टाइम हो गया अपनी बिल्डिंग से छलांग मारे हुए, लेकिन उससे पहले मैं बोट चलाना सीख लूं। और ये नूबड़ा अपने आप को प्रोफेशनल ड्राइवर बोलता है, और नहीं तो क्या अफ्रो बोलती, चेरी बोलती। लेट्स गो। क्या बात है गाइस, यहाँ से लॉस सैंटोस का क्या व्यू दिख रहा है, केले में नीचे गिर रहे हैं, लेकिन अभी मेन क्वेश्चन ये है कि मैं नीचे गिरूंगा कि नहीं, बच गया। क्या बात है गाइस, कितनी कमाल की छलांग मारी, कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा फ्रो हूं। वो तो हमको दिख ही रहा है, क्या करे मैं अपनी फ्रोनेस छुपाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पाता गाइस। मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्या ये लोग हमारी केले बोट को क्रॉस करके चले गए, घरवाली भेजते। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, थोड़ा और आगे लगा देते रहे इसको। अब देखना गाइस ये लोग मेरे केले बोट को बिल्कुल भी क्रॉस करके नहीं जाएंगे। अच्छा हम भी देखे जरा, ये वाला प्लान भी फेल हो गया। मैं तो बोलता हूँ अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सर वेरी बिग फैन सर, व्हाट्स अप? एक बार गाड़ी दिखाना सर, आपकी बड़ी मस्त है, थैंक यू, बाय बाय। सुबह सुबह खुल गया हम चोरी। यस वेलकम टू स्टार्टी सोर्स। लेकिन अभी हमें इस गाड़ी की बात नहीं करनी गाइस, हम लोग को एलिमेंटल गाड़ी की बात करनी है, और सुनने में आया है कि यहाँ पर एक एलिमेंटल कार है। हम भी देखे जरा कौन सी है, तो चुपचाप देखना भौंक क्यों रहा है। अरे ढोकी हूँ, भौंकूंगा नहीं तो म्याऊ म्याऊइंग करूंगा क्या। ये भी सही है, वैसे सही बोल रहा है ये। देखो गाइस जब डॉगी भौंकते हैं तो हम उसे भौंकना बोलते हैं, लेकिन जब बिल्ली भौंकती है मेरा मतलब जब बिल्लियां चिल्लाती है तो उसको हम कुछ बोलते ही नहीं है। तो आज का आप लोग का असाइनमेंट है कि आप लोग को इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ये मैंने आजकल नया स्कूल भी खोल लिया है गाइस, तो आ जाइए ज्वाइन करिए मेरे स्कूल में। बिल्कुल भी मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे प्यारे गटर गट्टू बॉब जोक मारा था, असली में स्कूल थोड़ी खोला है मैंने, आधा दिन तो तेरी टट्टी साफ करने में निकल जाता है ना, अब स्कूल थोड़ी खोलूंगा मैं। न्यूक्लियर सामने देखो, गाड़ी हवा में उड़ रही है। ओ माय गॉड जिला, क्या यही है अपनी एलिमेंटल कार? देख के तो वैसे ही लग रहा है। ऐसा है क्या, फिर चेक करते हैं, रुको। सुनिए मिस्टर कार जी, क्या आप एलिमेंटल कार हो? मेरे को बताइए जल्दी वरना मैं आपको नेट से उड़ा दूंगा। पकड़ा गया फिर से, टाइम पास कर रहा है। अरे ठीक है ना पकड़ा गया, लेकिन ये बताओ इसको मैं नीचे कैसे उतारूं? हाथ मार के देख मेरी शक्ल पे बॉब थोड़ी लिखा है, रुको एक काम करते हैं गोली मार के देख लेते हैं। 3, 2, 1 बूम बूम। आईडिया काम करो, मेरा प्लान था, कभी कभी काम कर जाता है। वैसे कौन से एलिमेंट का कार है? देख के तो विंड लग रहा है। हाँ विंड की तरह बिल्कुल सफेद है। विंड का कलर होता भी है? होता हो ना होता हो उससे क्या फर्क पड़ता है, पहिए देखो यार बड़े मस्त है। पिछवाड़ा मतलब बैग डिजाइन भी अच्छा है, बहुत यूनिक है। अब यूनिक तो होगा, एलिमेंटल कार है घोचू। अब अंदर बैठ के देखते हैं गाइस कि कितना कमाल का है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? माफ कर दे बॉब, अगली बार से नहीं करूंगा, तू भी मत करना। अच्छा ठीक है, हाथ जोड़ दो यार मत करो। ये सड़ी सी गाड़ी क्यों है अभी भी यहाँ पर? बाप रे अपनी गन में इतना पावर कब से है? मैं भी वही सोच रहा हूँ, इतनी पित्ती सी गन है, बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको थोड़ा आराम से यूज करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके तो न्यूक्लियस हम लोग अपनी एलिमेंटल विंड कार में बैठ गए हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये क्या करती है, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ।
इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है। 50 रुपए कट हो एक्टिंग के। अबे नहीं सच बोल रहा, रुको अभी दिखा दो तुम्हें। तुम लगा के आयशा वो भैंसा बोलो, बीच में क्यों आ गए? तू भैंसा हो? मैंने तो एलिमेंटल कार की भी ढक्की चिकी कर दी गाइस, देखो क्या हालत हो गई। सफेद गाड़ी को लाल कर दिया। वही तो यार, सही में इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मेरे को इस वाले रोड में फुल स्पीड में जाने में बहुत डर लग रहा है। तू एक काम करती है, अपनी टेस्टिंग ट्रैक पे इसकी स्पीड टेस्ट करती है। क्या बात है चॉप, नाइस आइडिया। और ये क्या, ये तो रिवर्स में भी इतनी तेज जा रही है, इसको तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। देर किस बात की, लेट्स गो। ओके तो गाइस हम लोग अपनी स्पीड टेस्टिंग ट्रैक में आ गए हैं। आप लोगों ने काफी सारे वीडियो में इस वाले ट्रैक को देखा होगा, और अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। और अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी करा तो सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर नहीं करा तो वो भी कर देना। रुक जा, गाड़ी की स्पीड टेस्ट हो रही है तेरी नहीं, सॉरी यार मैं भूल गया था। और गाइस मानना पड़ेगा इसका स्पीड तो कुछ ज्यादा ही है, और आई थिंक इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप लोग देख लो आसपास क्या हो रहा है। गेम ब्रेकिंग स्पीड, ये क्या कर दिया इस एलिमेंटल कार ने, इतनी ज्यादा तेज है कि गेम ही खराब हो रहा है गाइस। क्या हो रहा है, सारे पेड़ों का कलर ही चेंज हो गया। सॉरी मिस्टर पेट्स, मैंने आप लोगों का कलर चेंज कर दिया, अगली बार से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। और होने गाइस लगता है कि आप लोग ढुकने वाली है। नहीं ढुके, फ्लाइंग कार, वो भी विंड कार है, उड़ेगी। वही तो छोटे दिमाग वाले, इतना भी नहीं समझ आता तेरे को। तेजी से तू जा जाइए ठीक है ना। और गाइस वैसे सच बोलू तो पहले मेरे को भी फ्लाइंग कार ही लग रही थी। गधा कहीं का, इसकी स्पीड तो देखो। बचपन से लेके अब तक जितना भी मैंने जीटे खेला है, कभी भी कोई भी व्हीकल को मैंने इतनी तेज नहीं भगाया है। और इतना बुरा ठोका भी नहीं होगा। I'm back guys, गेम को रिस्टार्ट करके आना पड़ा था क्योंकि लास्ट टाइम गाड़ी को ज्यादा ही तेज भगा दी थी। इस बार प्लीज एलिमेंटल कार को मत उड़ाना। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बट कोशिश करूंगा। इसका मतलब नेक्स्ट कार भी उड़ने वाली है। कार क्या भाड़ में, अभी मेरे को लग रहा है कि मैं उड़ने वाला हूँ, क्या हो रहा है ये? ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मासूम सा बंदर हूँ। With French fries hairstyle? मेरे को इस बाइक की जरूरत ही नहीं है, जा। पैर फिसल गया। कोई नहीं गाइस, मर्द को दर्द नहीं होता। हम लोग ऐसे भी लोकेशन के काफी नजदीक है, हम लोग को बाइक की जरूरत नहीं है। ला 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 ला। कहाँ पर है गाड़ी? यही कही होगी यार, वेट कर देख, मिल गई। ये कौन सी वाली एलिमेंट है? देख के तो चीता लग रहा है। चीता करके कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये मोस्ट लाइकली जियो, मेरा मतलब अर्थ एलिमेंट है। पृथ्वी, प्लेनेट वाला अर्थ नहीं, रॉक्स। क्या बात है, यहाँ पर कोई मिस्ट्री विस्ट्री है, लेकिन अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं गाइस, हम लोग को वीडियो बनानी है। अब ये अर्थ एलिमेंट की है तो इसको स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। चलो टेस्ट करती है। गाड़ी तोड़ने में वैसे ही तू एक्सपर्ट है। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो यार, मेरे को शर्म सारी है। So the destruction begins. और नहीं तो क्या, हम भी देखेंगे ये गाड़ी कितनी स्ट्रांग है। वैसे अभी तक अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती तो उसमें 15-20 हजार डेंट तो पड़ ही जाते, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस। ये पत्थर क्यों रेज के साथ साथ? गुड ऑब्जर्वेशन बॉब, लगता है कि तेरे में भी थोड़ी बहुत अकल आ रही है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। इतना नहीं फेंकते। और वैसे हाँ गाइस, ये क्या है, ये पत्थर रोड क्यों रेज के साथ? ओके तो गाइस हम लोग पहाड़ से नीचे आ गए, और आप लोग देख सकते हो कि अपनी गाड़ी बिल्कुल मस्त चकाचक चमक रही है। अब हमें बस उड़ते हुए पत्थरों का मिस्ट्री सॉल्व करना है, जो कि मेरे को लगता है कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। क्या है ये? इसको बोलते हैं फोर्स फील्ड, जो कि फोर्सफुली धक्का दे रही है। बच के रहना पड़ेगा इससे। एक तो इस गाड़ी को कोई भी टच नहीं कर सकता, और दूर से ये है कि गाड़ी सबको धक्का दे रही है। और इतने ही नहीं, ये धक्का इतना ज्यादा पावरफुल है कि गाड़ियां उड़ रही है। सही में यार, देखो तो ये क्या हो गया, आपने हक दिया। मेरे जैसे प्रोफेशनल ड्रिफ्टर, ये क्या हो रहा है? इस गाड़ी में तो पावर से है। ठीक है अब तो कंफर्म हो गया, ये सही में अर्थ की तरह बिल्कुल स्ट्रांग है। तो चलो फिर अगले एलिमेंट पे बढ़ते हैं, जो कि हमको यही पर कहीं मिलने वाला है। एड्रेस तो यही था यार। सही से पढ़ा तूने? हाँ, अपनी तरह अनपढ़ समझ रखा है क्या मेरे को? रुको जरा इस डॉगी से पूछ लेता हूँ। ओके तो मैंने इसको एड्रेस के बारे में बता दिया है, और उसने बोला है कि ये सामने ही है। थैंक यू मिस्टर काइंड डॉगी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। बॉब के साथ रिप्लेस करने का मन कर रहा है। मैं साबुन थोड़ी हूँ जो रिप्लेस कर देगा। कैसे लेगा मेरी मुझे? तेरे मुँह की तरह बिल्कुल चढ़ा हुआ था। सही में रिप्लेस कर दूंगा बॉब। बहुत अच्छा मजाक था, आपको तो कॉमेडियन बनना चाहिए। सो मच कॉमेडी यू डू, वेरी वेरी वेरी। ठीक है भाई, बहुत मक्खन मार लिया, बस कर। और गाइस यहाँ पर स्विमिंग करने में कितने मजे आ रहे हैं। अब रियल लाइफ में तो मैं नहीं कर सकता, तो ऐसे गेमों में करके खुश हो जाता हूँ। शर्म तो आती नहीं बोलने में। नो, अब तो मेरे को भी शक हो रहा है, यहाँ पर गाड़ी होगी क्या? एलिमेंटल कार से हो भी सकती है। सही बोल रहा है, अभी हार नहीं मानते। लहरू ने फाड़ दी इसकी। बहुत तेज साउंड आया था यार, फट गई थी। और वो देखो गाइस सामने क्या है, अपनी गाड़ी मिल गई।
लेकिन ये कौन सी एलिमेंट की है? स्मोक या चिंगारी? ये तो चला के ही पता चलने वाला है। तो आओ फिर चला के देखते हैं। वैसे मानना पड़ेगा यार, देखने में थोड़ी खतरनाक सी है, डर लग रहा है बैठने में। व्हाट, ये क्या हो गया? वेदर कैसे चेंज हो गया अचानक से? ये आवाज कैसी है? चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये थंडर एलिमेंट है, और मानना पड़ेगा यार चारों तरफ कैसा वेदर हो गया है, खतरनाक सा। वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या इम्पॉसिबल, ये वाली गाड़ी टॉर्नेडो को समन कर सकती है। मेरे से बोल देता, फूक मार देता। बॉब फेंकने की भी एक लिमिट होती है, और गाइस मैं तो बोलता हूँ यहाँ से जल्दी से निकल जाती है। मैं वापस शहर में तो आ गया, लेकिन यार ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। टॉर्नेडो लव्स वेरी न्यूक्लियर, या फिर विंड एलिमेंट कार मेरे से बदला तो नहीं ले रही क्योंकि मैंने उसको उड़ा दिया था। जो भी हो, मैं बोलता हूँ सेल्फी ले लेते। आइए, कितना हैंडसम लग रहा हूँ गाइस आज मैं। ये फोटो कैसे खींचते है? बटन कौन सा बटन था? फुटो गया भाड़ में, गाड़ी उड़ रही है, मेरे को भी उड़ना है। काश हमेशा के लिए उड़ जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं कर सकता गाइस, लेट्स गो। ये आइडिया दूर से अच्छा लग रहा था, लेकिन पास आके अब मेरे को लग रहा है कि हम बेफालतू में आ गए यहाँ पर। कोई नहीं गाइस, योलो। क्या बहुत है, बहुत बढ़िया। बस एक प्रॉब्लम है कि इतना गोल गोल घूम के मेरे को चक्कर आ रही है, उल्टी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। गाइस मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ। सायोनारा।